हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2.9 सॉल्यूशन चैप्टर का। इसमें बोला है कि एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है विच वॉज फाउंड टू बी सिवियरली कॉन्टेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कॉन्टेमिनेशन होता है इंसानों के लिए, मतलब हमारे लिए हानिकारक है। एंड सपोज टू बी कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन क्या होता है? कैंसर काउजिंग। तो भैया कैंसर उनसर हो सकता है अगर पानी में काफ़ी क्लोरोफॉर्म हो। अब काफ़ी कितना होता है? थोड़ा भी काफ़ी होता है। तो लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन था लगभग 15 ppm। ठीक है, 15 ppm। अब ppm का मतलब समझते हैं। तो अपने को पता है वीनो क्या? अगर किसी ने बोला 25%, है ना, परसेंट मतलब अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो बाई कन्वेंशन अपन मान लेते हैं मास बाय मास। तो इसका मतलब क्या होता है? 25 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम टोटल सैंपल या सॉल्यूशन, करेक्ट है ना। वैसे ही कोई अपने को बोला कि 15 ppm है। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर कितने में। सेंट मतलब होता है पर सेंट, मतलब आउट ऑफ 100। सेंट मतलब 100 होता है, सेंचुरी 100। पार्ट्स पर मिलियन है ना, मिलियन कितना होता है? 10^6। तो कोई बोला 15 पार्ट्स है तो मतलब 15 ग्राम सॉल्यूट है इन टोटल 10^6। इतना भी काफ़ी होता है कैंसर के लिए। ठीक है, तो टोटल इतने सॉल्यूशन में 15 ग्राम है। समझ आ गया पूरा बात? बोलता है कि परसेंट बताइए कितना, अगर ppm इतना है। तो देखिए यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। कोई पता चल गया कि 10^6 टोटल अगर होता है तो सॉल्यूट है इसमें 15 ग्राम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया ये। तो परसेंट निकालने के लिए कितने में निकालना होता है, कितना टोटल होना चाहिए? सिर्फ 100। तो 100 टोटल में कितना? 15 / 10^6 × 100, यही आंसर। और कुछ करना ही नहीं है, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 15 × 10^-4। क्लियर। सेकेंड, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। मोलैलिटी, मोलैलिटी पूछा है। ठीक है, इसी को अपन समझ लेते हैं, हमारा स्टैंडर्ड स्टेटमेंट गिवन वाला है, इसी के आधार पे कर लेते हैं। तो अपने को पता है मोलैलिटी क्या होता, क्या है मोलैलिटी? होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स के लिए तो सर सॉल्यूट का है ना क्या चाहिए होगा? गिवन मास कितना है गिवन मास सॉल्यूट का? 15 ग्राम। यही तो सॉल्यूट था अपना, है ना। लेकिन सर मोलर मास भी चाहिए होगा। डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का kg। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो आ गया अपना, तो न्यूमरेटर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए अपन CHCl3 का मोलर मास निकाल लेते हैं। Carbon 2 और Hydrogen 1, 35.5 × 3, ये कितना हो गया? 13 + 15 106 + 13 109.5। तो अपने को पता है गिवन मास 15 था, बाय मोलर मास 109.5 से आप डिवाइड कीजिए, ये आपका मोल्स आ गया। अब सर सॉल्वेंट का kg कैसे निकालेंगे? तो अपने को पता है कोई भी चीज़ में दो ही चीज़ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूशन में। अब देखो एक मस्त चीज़, इतने सारे सॉल्यूशन थे, कितने, 1, 2, 3, 4, 6, इतने ग्राम में 15 ग्राम है क्या सॉल्यूट? तो 15 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितने हुए? ऐसा नहीं बोल सकते टोटल में से सॉल्यूट घटा दीजिए। अब बात बताओ, इतने सारे जीरो में से 15 घटाओगे तो आ ही कितना जाएगा? घटा ही लेते हैं, क्या ही जा रहा है तसल्ली के लिए। अब बात बताओ, क्या इसको अप्रॉक्सीमेटली 10^6 नहीं लिख सकते हैं? ये एक्चुअली बराबर ही हुआ सर, 15 घटा के कर क्या रहे हैं? 100 में से 0.01 कोई घटाया तो इनसिग्निफिकेंट है ना, 100 ही ले लो, क्या ही टाइम पास कर रहे हैं अपन। तो इसके जगह अपन जनरली आप देखोगे सब जगह 10^6 ही ले गया है। ठीक है, तो ये ग्राम में kg में करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाई 1000, है ना। तो ये 10^3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 6 और 3 कट गया, 3 बचा, 109 तो नीचे है ही। ठीक है, 109
0.5 और ये 15 ऊपर है, तो लगभग ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है। मैं फाइनल कैलकुलेशन यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल 15 डिवाइडेड बाय 109 को 119 था ना अपना मोलर मास, 119 आया था, ये गलत है, 119 आएगा, ठीक है। तो 119 को 120 ले ले, अप्रॉक्सीमेटली 120 ले लिया जाए, ठीक है। तो 15 बाय 120 हो गया, और 10^3 को 10^3 रहने देते हैं, 1000 उसको बाद में देखा जाएगा क्या करना है। 5 threes are 5, 2s are 10, 5 fours are 3/24 आया, इसको अपन लिख देते हैं 30/24, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे भी 10^4 आ गया, 24 1 जा 60 बचा, तो 1.2 48 24 into 2 48 12 remainder, तो 120, तो एग्जैक्ट 1.25 आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे भी काट सकते थे 2 से भी, 2 into 15 2 into 12, 3 fives are 3 fours are 5/4, 1.25, तो अपना एग्जैक्ट आंसर इस केस में आ रहा है 1.25 into 10^24 - 4 मोलर है ना, या फिर मोल्स पर लीटर, क्या आया था, मोलालिटी था, स्मॉल एम, तो मोल्स पर केजी, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।